हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों ये है मेरी माइस्ट्रो, इसने 5 साल मेरा बहुत साथ दिया है। आज विश्वकर्मा के मौके पर हम लोग माइस्ट्रो को एकदम नए जैसा करने की कोशिश करेंगे, एकदम साफ करने की। ज़्यादा प्रॉब्लम आती है डैशबोर्ड साफ़ करने की, तो हम लोग देखेंगे कि डैशबोर्ड भी एकदम नए जैसा बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने गाड़ी को धोया है डेडिकेटेड कार शैम्पू से, तो एकदम क्लीन हो गई है गाड़ी। अब जब प्रॉब्लम आती है वो आती है डैशबोर्ड को क्लीन करने में या फिर उसे शाइन लाने में, जो नॉन पेंटेड एरिया होता है। तो उसके लिए हम लोग एक प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, वो है 3M डैशबोर्ड ड्रेसर। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है 3M डैशबोर्ड ड्रेसर। मैं गाड़ी में भी यही यूज़ कर रहा हूँ, अब माइस्ट्रो के लिए भी यही यूज़ कर रहा हूँ। आपने थोड़ा सा स्प्रे करना है और एक माइक्रोफाइबर क्लोथ लेना है और उससे ये आपको साफ़ कर देना है। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको साफ़ भी कर देना है और ये आपका जो लिक्विड है ये पूरे आपके डैशबोर्ड में फैल जाएगा। बहुत ही अच्छी शाइन देगा। आपने सोचा भी नहीं होगा कि मेरी माइस्ट्रो इतने साल पुरानी थी या इतनी गंदी थी। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। ये देखिए, आपने सिर्फ ऊपर का डैशबोर्ड ही नहीं यूज़ करना, आपने जो नीचे नॉन पेंटेड एरिया है जहाँ ब्लैक कलर का एरिया होता है माइस्ट्रो का या एक्टिवा का, आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो इस तरह से दोस्तों काफ़ी इजी है आप अपनी माइस्ट्रो को दोबारा से एकदम नए जैसी शाइन देना। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।